एनर्जी वैल्यू अपन वन पुट अप करते हैं तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, -13.6 है ना। तो उसी को क्या बोले अपन ने, लैमर सीरीज। याद है वही सेम है आपको निकालना है वहां पे टोटल नंबर ऑफ सीरीज 5 है, इसलिए वहां पे अपने पास डायमंड सीरीज में एन की वैल्यू 1 लिए, अपने साइड में देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड दिया है ना, एन की वैल्यू 1 लिए तो E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। डायमंड सीरीज, डायमंड सीरीज मैंने आपको बताया था विक्रीजन फॉर्म करता है अल्ट्रा वायलेट रिजल, कैसा रिजल्ट फॉर्म करता है वो अल्ट्रा वायलेट रिजल्ट। नेक्स्ट नंबर विच सीरीज, बाल्मर सीरीज, एन की वैल्यू कितनी थी 2, कितना नंबर आया था देखो एन की वैल्यू 2 लेते हैं अपन तो 2 का क्या हो जाएगा एन स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर राइट, तो 13.6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 13 -13.6 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा -3.4 ये है ना। वहां पे बस सेम अपने पास जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले को कंटिन्यू करना है, ई इज इक्वल टू मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। फर्स्ट सीरीज में एन इज इक्वल टू 1, देन ई इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड नंबर सीरीज में एन की वैल्यू 2 इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू -13.6 2 का स्क्वायर -13.6 4 डिवाइड बाय 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे कंटिन्यू चलेगा, कहां तक चलेगा जब तक पांचों सीरीज आपको मिल नहीं जाती, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है सीरीज, सबसे लास्ट वाली जो सीरीज रहेगी मतलब ये हो जाएगा फाइनल नंबर रहेगा आपके पास 6 नंबर, एन की वैल्यू इन्फिनिटी, एन की वैल्यू क्या रहेंगे इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, ई इज इक्वल टू -13.6 इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब 1/∞ यू गेट 0। क्या होता है 1/∞, तो लिखे रहे तो 1/∞ इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू -13.6 टू, ठीक है। तो अपन ने बोले थे ना यहाँ पे कि एन के लिए 1 से स्टार्ट क्यों होती है, इसलिए ताकि अपने को फाइनल के तो आंसर देगा 0 मिलेगा, तो इन्फिनिटी अपन ये एनी नंबर अपन डिसाइड कर सकते हैं एन के वैल्यू 1 टू अप टू डैश डैश इन्फिनिटी। या मैंने आपको एक पॉइंट भी लिख के दिया था कि अगर वो हाई कौन सा नंबर का पॉइंट था, सबसे लास्ट में देखो डायमंड सीरीज में, सबसे लास्ट में देखो डायमंड सीरीज में अल्ट्रा वायलेट रिजन के नीचे में क्या होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को जनरेट करेगा, कब कब जनरेट करेगा तो भी एन के वैल्यू इन्फिनिटी। क्लियर, यहाँ पे सारे पॉइंट अपने क्लियर होते हैं। सेकंड नंबर में देखो बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज में कितना हो जाएगा बेटा -3.4 एन की वैल्यू 2, उसमें कौन सा रीजन फॉर्म करता है विजिबल रीजन, ओके आंखों को दिखाई देने वाला रीजन फॉर्म करता है। अल्ट्रा वायलेट रेज अपने को दिखाई देते है क्या, नहीं सिर्फ महसूस हो सकते हैं अगर वो बॉडी को चुभे तब, क्लियर। यहाँ पे बाल्मर सीरीज में अपने को विजिबल रीजन फॉर्म होगा। नेक्स्ट नंबर का सीरीज कौन सा है, पाशन सीरीज, ओके इंफ्रारेड रेड, इसका एन के वैल्यू कितना हो जाएगा 3, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ये तीन ही सीरीज का अभी सिलेबस में जो रिड्यूस हुआ है पार्ट, ये तीनों डायग्राम मतलब ये जो आपने पांच निकाले ना उसमें से तीनों रहेंगे पेपर में, क्योंकि बाकी दो रिड्यूस हुए हैं इन एनर्जी लेवल डायग्राम से, बाकी दो नहीं रहेंगे, तभी भी मैंने आपको बोल दिया कि आप पांचों की प्रैक्टिस करो। क्या बोले, पाश्चन सीरीज कौन सा रेज फॉर्म करेगा बेटा, इंफ्रारेड रेज, हो ना। यहाँ पे उन्होंने दिया एन की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे एन की वैल्यू 3 रहेगी तो 3 का स्क्वायर मतलब -13.6 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, क्लियर। 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा तो अपने को आंसर कितना मिलेगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्लियर -1.5 इलेक्ट्रॉन 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 5 और एक टाइम ऐसे आएगा कि एन की वैल्यू कितने रहेंगे इन्फिनिटी, तो अपने पास आंसर एनर्जी में मिलेगा 0, क्लियर।
टोटल एनर्जी हो गया था। कुछ डेफिनेशन है बेटा वो नोट कर दो आप। एक्साइटेशन एनर्जी मतलब इसको एक्साइटेशन स्टेट भी बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वन मार्क्स के लिए आती है। एक्साइटेशन एनर्जी और मैं लिखो एक्साइटेशन स्टेट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक टू टेक द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड द एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट स्टेट द स्टेट। अब व्हाट इन बाय एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन स्टेट मतलब क्या होगा बेटा? एक अपने चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिया। तो स्ट्रक्चर में जो अपने पास एटम्स रहेंगे और न्यूक्लियस रहेंगे, स्ट्रक्चर में क्यों लाते हैं उसके ऊपर? ताकि वो एनर्जी जनरेट कर दे। मैंने आपको एटम बम का एग्जाम्पल दिया था। क्या बोलते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को इकट्ठा लाते ताकि वो एनर्जी जनरेट करे। फूटने के बाद क्या जनरेट करता है? वो एनर्जी जनरेट करता है। बट जो उस बम्बार में जो अपन उसको कंबाइन करेंगे, एटम्स बनाएंगे उसका एक, तो उसमें क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स ऐसे रहेंगे जो फ्रीली रहेंगे। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फ्रीली पार्टिकल्स, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स। फ्रीली का मतलब क्या होता है? वो किसी के साथ कंबाइन नहीं रहे और फ्री रहेंगे। कभी भी कहीं भी जाके कभी कभी क्या होता है, बिना छुए कोई भी चीज फूट जाती फट जाती। वो किसकी वजह से फटती है? ये चीजों की वजह से। जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स रहते थे, एक्साइटेड रहते, ये इधर उधर घूमते रहते। और घूमते टाइम मैंने आपको मॉडल नंबर थर्ड बताया था, क्या होते हैं अपर एनर्जी अपर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट को लोअर इलेक्ट्रॉन्स, ये घूमते रहते। घूमते घूमते क्या होते, एक दूसरे को टकरा देते। इसलिए अपन बोलते कि रखी रखी चीज कैसे क्या फूटती, ठीक है? उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, वो ऐसी नहीं रहती, खाली पड़ी नहीं रहती। तो यही उसका रीजन है। ये जो एक्साइटेशन जो एनर्जी जनरेट करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करते रहेंगे? कंटिन्यू मूव करते रहेंगे। और मूव करते टाइम वो क्या करेंगे? किसी ना किसी को टकराने के बाद एनर्जी जनरेट करेंगे। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। सेकंड नंबर लिखो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी द मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव और टेक आउट द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम अ हाइड्रोजन एटम सच एनर्जी इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। ग्राउंड स्पेस से जो हाइड्रोजन एनर्जी क्रिएट होगा उस चीज को अपन बोलेंगे बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट इज द बाइंडिंग
ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़े ना आपने, व्हाट इज बाय बाइंडिंग, जिसको बंडल करके रख सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ बाइंडिंग, है ना। तो वही चीज है जो पैकिंग में एनर्जी में जनरेट होगा। अभी को बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इट फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस। नेक्स्ट हेडिंग दो, न्यूक्लियॉन क्या होता है। न्यूक्लियॉन NUCLEONS न्यूक्लियॉन, ये काम के नहीं है बट ये आपको पता होना। व्हाट इज बाय न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, व्हाट इज बाय आइसोबार क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, पता है क्या आइसोटोन्स, है ना, केमिस्ट्री में भी है फिजिक्स में भी है। यहाँ पे सिंपल सिंपल है, न्यूक्लियॉन्स लिखो, लिखे इसका लिखो, व्हेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, व्हेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिफर्ड कलेक्टिविटी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिफर्ड कलेक्टिविटी इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन्स, सॉरी न्यूक्लियॉन्स, इज कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। किसका कलेक्शन करता है बेटा, ये प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का, उससे क्या बनता है न्यूक्लियॉन्स, समझ में आया ना, द कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी अपने को मतलब चैप्टर में डिसाइड जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, बस वही छे अपने पास। नेक्स्ट नंबर है एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको इंपॉर्टेंट करो एटॉमिक नंबर को, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, क्या प्रेजेंट रहेगी इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, दे रिप्रेजेंट बाय जेड, कैपिटल जेड, दे रिप्रेजेंट बाय कैपिटल जेड, जेड फॉर जेब्रा, कैपिटल जेड से उसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते। नेक्स्ट नंबर दो मास नंबर, मास नंबर द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसको भी इंपॉर्टेंट करो फॉर वन मार्क्स, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस इज नोन एज मास नंबर, दैट इज कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, दैट इज कैपिटल ए इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन, कैपिटल जेड प्लस कैपिटल एन, वेयर कैपिटल जेड बी द एटॉमिक नंबर, वेयर कैपिटल जेड बी द एटॉमिक नंबर एंड कैपिटल एन बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोटोप्स,
द एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग आइसोटोप, द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, अंडरलाइन करना उसको, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, उसको भी अंडरलाइन करना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आपको नीचे देना आता है कि 1-1 उसके बेस में और टॉप में 1-1 दे दो, कॉमा हाइड्रोजन 1-2, 1 मतलब नीचे का बेस का और 2 मतलब टॉप का, देना आता है कि लिख के दो, आ रहा है ना, कॉमा हाइड्रोजन H13 नेक्स्ट सेटिंग, तो आइसोबार्स, आइसोबार्स द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इज नोन एज आइसोबार। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन 1-3 कॉमा हेलियम HE 2-3 नेक्स्ट नंबर आइसोटोन्स, आइसोटोन्स The atoms having same number of neutrons, but different atomic number, is known as isotones. For example, H13 comma HE24 नेक्स्ट सेटिंग, तो मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट करो 2 मार्क्स के लिए, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ये क्वेश्चन कंबाइन आएगा 2 मार्क के लिए, एक्सप्लेन करके लिखा रहेगा। तो पहले हेडिंग तो उसमें से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, दोनों को अपन 1 by 1 देखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस पहले हेडिंग, तो सेकंड नंबर देखेंगे मास डिफेक्ट।
बाइंडिंग एनर्जी आपको लिख के दिया है, व्हाट इज माय बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, अरे बाइंडिंग एनर्जी लिख के दिया है ना, बस सेम डेफिनेशन लिखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द ऑल न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन लिखो, उसमें द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स, टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी, इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी रिप्रेजेंट ईबी, कैपिटल ई बी, कैपिटल बी बाइंडिंग एनर्जी। उसके एक फॉर्मूला दिया हुआ है छोटा सा, ईबी इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, ईबी इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। अब व्हाट इज माय एम क्या होगा, तो एम का थोड़ा सा बड़ा वाला एक्सप्लेनेशन दिया है, एम पी मतलब पता था मैं क्या है तो सब कुछ, प्लस यन यम यन माइनस यम ब्रैकेट में सी स्क्वायर। जेड आपको पता है क्या है, तो जेड पता है ना आपको क्या है, तो उसके नीचे लिखो एक बाय एक्स बन रहा है, जेड इज इक्वल्स टू एटोमिक नंबर, एम पी इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन्स, कैपिटल एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज ए माइनस जे, गुड मॉर्निंग सर, मतलब गोंदिया जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट को लगते है ना, वो वही भी उस साइड वाला मत नहीं ना, तुमसे मैंने जो आपको दिया बस वो पॉसिबल, और ये जनता है नेहरू जनता प्रॉपर्टी,
फिल्म में वो गर्ल्स की जरूरत है, आप उस तरीके से अरेंज करके आगे पहले के बेटा एटॉमिक नंबर ना एन बी एटॉमिक नंबर ना एन बी क्या होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड कर दीजिए उसको फॉर्मूला है उसका और एम पी क्या लिखे अपने मास ऑफ प्रोटॉन्स में उसके हाइड्रोजन एटम को चलेगा ब्रैकेट में सिर्फ हाइड्रोजन एटम को प्रोटॉन्स पर हाइड्रोजन एटम और एम एन रहेगा आपका मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ठीक है बाकी एक फॉर्मूला उसमें और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ये कभी कभी देखिए आपको ये निकालना न्यूमेरिकल आ सकता है इसके ऊपर जैसे एक्सप्लेन बोला तो इतना भी लिखिए तो सफिशियंट है नेक्स्ट नंबर दो मास डिफेक्ट नहीं नहीं वो हो गया उसके नीचे बस ये उसका एक्सप्रेशन इतना चाहिए फॉर्मूला रखना सी का मतलब कह रहे सी का आपको पता नहीं है स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट उसके वैल्यू आपको पता है ना बस वैल्यू के अंदर साइड में मीटर पर सकते हैं नेक्स्ट नंबर मास डिफेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मास of the nucleus the difference between actual mass of the nucleus and the sum of masses of constituent nucleus constituent nucleus is known as mass defect that is denoted by del m same formula hai sirf c nahi hai isme कैपिटल एम का भी अर्थ नहीं लिखे होंगे ना आपने वो भी लिख दिया मेजर मास ऑफ न्यूक्लियस
डाइमेंशन मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, क्वेश्चन कंबाइन पूछेगा आपको, तो एनर्जी का ध्यान में रखना। डेल एम सी स्क्वायर, कौन सा इक्वेशन है एम सी स्क्वायर वाला? आइंस्टाइन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है? आइंस्टाइन इक्वेशन। तो एनर्जी फॉर बाइंडिंग एनर्जी फॉर डेल एम सी स्क्वायर, तो अपन ने वहां पे डेल एम की वैल्यू डाल दिए है, जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एन सी का स्क्वायर, हो जाएंगे आपको बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। नेक्स्ट नंबर मास डिफेक्ट डिनोटेड बाय डेल एम, है ना, ये जो डेल एम की वैल्यू है, ऐसे समझ में आ गया होगा आपको, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है डेल एम की, और डेल एम को क्या कहते हैं अपन? मास डिफेक्ट। ठीक है, डेल एम को क्या कहते हैं अपन? मास डिफेक्ट। तो आपको बाइंडिंग एनर्जी पूछेगा तभी भी आपको मास डिफेक्ट के बारे में लिखना है, या कंबाइन क्वेश्चन पूछे तो भी आपको इसके बारे में लिखना है। थियोरेटिकल कुछ क्वेश्चन बचे, एक ही डेरिवेशन बचा है। नेक्स्ट हियरिंग दो रेडियोएक्टिव डिके लॉ, ये भी इम्पोर्टेंट है। रेडियोएक्टिव डिके लॉ, रेडियोएक्टिव डिके लॉ, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर देगा, एक ही डेरिवेशन है, बाकी फिर देखेंगे। रेडियोएक्टिव डिके लॉ इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करो, आप लिख के रख सकते हो 2021, क्योंकि ये चैप्टर के दो पार्ट है। पहले इसके पहले जो सिलेबस चेंज होने वाला था इसमें तीन पार्ट थे, आपके भी बुक में दिया होगा शायद तीन पार्ट, एटम मॉलिक्यूलर न्यूक्लियस, है ना, तो अभी एक उसमें से पार्ट निकाला गया है, एटम मॉलिक्यूलर न्यूक्लियस इज थ्री चैप्टर्स, ओके, एटम अलग मॉलिक्यूलर अलग न्यूक्लियर अलग, तो अपन जो स्टार्टिंग में पढ़े वो एक चैप्टर हो गया, अभी रिड्यूस हुआ है पार्ट टू, दो एक दिया है चैप्टर में, एक निकाल दिया गया, कौन सा निकाला उन्होंने? एटम एंड न्यूक्लियर, एटम मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर, मॉलिक्यूलर को निकाल दिया, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू चैप्टर। तो एटम के बारे में अपन ने स्टार्टिंग में पढ़े, तो डेरिवेशन थे कौन कौन से डेरिवेशन थे अपना देखिए, अपन ने मॉडल्स देखे मतलब पोस्टुलेट्स देखे, उसके बाद आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर वाला देखे, इसके बाद एनर्जी देखे, ओमेगा की वैल्यू देखे अपन ने, इसके बाद टोटल एनर्जी देखे ना, इसके बाद क्या देखिए सीरीज देखे, एनर्जी लॉ डायग्राम देखे, तो जो इतना जो टॉपिक था एटम्स का था, अभी जो चालू हुआ है मॉलिक्यूल्स का हुआ, न्यूक्लियस का हुआ, ये दो चैप्टर में से कंबाइन, उसमें सबसे ज्यादा एटम के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ये चैप्टर ये टॉपिक में ये क्वेश्चन पूछेगा, ये 100% रखा हुआ है रेडियोएक्टिव डिके लॉ है। ठीक है, अगर ये टॉपिक में से पूछा तो उन्होंने उसका स्टेट उसका क्वेश्चन ऐसे आता है, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके एंड डेरिव एक्सप्रेशन फॉर इट। इसमें और एक टॉपिक है हाफ लाइफ, उसका उसको जो अपन डेरिवेशन निकालेंगे उसमें से उसको हाफ करना पड़ेगा 1/2 लगा के, पहले इसको कम्प्लीट कर लेंगे। तो इसका स्टेटमेंट नोट करो, द नंबर ऑफ न्यूक्लिया स्टेटमेंट है रेडियोएक्टिव डिके लॉ का, द नंबर ऑफ न्यूक्लिया अंडरगोइंग, द नंबर ऑफ न्यूक्लिया अंडरगोइंग द डिके पर यूनिट टाइम, द डिके पर यूनिट टाइम is proportional to the number of unchanged nuclei, is proportional to the number of unchanged nuclei present at that instant, as in at that instant, that is dn, yes sir, and derivative of dn, that is dn directly proportional to n t into dt, where
where Nt be the number of parents nuclei. Nt be the, it is written Nt. Is Nt be the number of parents nuclei. Present at any instant t. Present at any instant t. Dn be the, ekane change dibo, number of nuclei. Dn be the number of nuclei. Number of nuclei disintegrated in short interval of time. Disintegrated short interval of time. ये जो मैं आपको लिखवा के दे रहा हूँ ना, ये जो सेंटेंस है ना मेरे है ना किसी अथर के, ये यूनिवर्सिटी अपना स्टेट बोर्ड से जो आंसर की आती है ना, तो पता है कि आपका जो पेपर होता है बोर्ड का, उसके आंसर की बनती है। जिन सर के पास वो जाती है चेक करने के लिए पेपर, तो उनके पास वो आंसर की भी आती है, तो उस आंसर की क्या आंसर, मतलब यहाँ का दर वहां का दर होता है, उन्हें एक भी सेंटेंस आके काट नहीं सकते, तो वही मैं काम काम का लिख करके दे रखता हूँ, तो आपके नोट्स में नॉलेज लीजिए। तो ये सेंटेंस वहां पे होना ही होना, या इसका मीनिंग और आपने जो सेंटेंस लिखा उसका मीनिंग एक रहा तो भी चलता है, ठीक है। और ये अपन सौ दो दो पेज लिखते और कोई आधा पेज लिखता, लेकिन दोनों का मीनिंग कहीं लिखा एक ही है ना। हाँ हेलो, हाँ अच्छी लगा पापा ने इसलिए वो शॉर्ट शॉर्ट में मैं लिखने के दिन उत्ता भी लिए तो भी सफिशियंट है। क्या लिखे बेटा आपने, डिसइंटीग्रेटेड इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डीटी डीटी। अब ध्यान दो इधर, अब क्या है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ना, तो मैं इसको हटा के इक्वल्स टू कर सकता हूँ, मतलब ये होगा dn इक्वल्स टू लैम्बडा। व्हाट इज बाय लैम्बडा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, विच प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट भी बोल सकते हो अपन, है ना, डीके लॉ है इसकी, dn इनटू इक्वेशन नंबर 1। इसके नीचे लिखो वेयर लैम्बडा बी द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ध्यान दो, वेरिएबल सेपरेट करेबल फॉर्म पड़ेगा मैथमेटिक्स में, क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, कपल को पास में लाते पढ़ाए नहीं क्या, यहाँ पे कपल कौन है, डीएन का कपल कौन होगा, हियर, ठीक है, उसको पास में लाना, मतलब कहाँ पे जाएगा वो, डीएन अपॉन डीएन टी इज इक्वल्स टू लैम्बडा इनटू टी, क्लियर, तो इक्वेशन नंबर सेकंड, डीएन अपॉन डीएन टी इक्वल्स टू लैम्बडा इनटू इक्वेशन नंबर सेकंड, अप्लाई इंटीग्रेशन, इक्वेशन नंबर सेकंड अप्लाई इंटीग्रेशन विथ लिमिट, विथ लिमिट जीरो टू टी ऑन बोथ साइड,
यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्या ये यहाँ पे एन है, मतलब यहाँ पे एन जीरो, यहाँ पे एन टी वन अपॉन एन टी इंटू डी टी इक्वल्स टू जीरो टू टी लैम्बडा इंटू डी टी क्या होगा रे वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या होगा लॉग ऑफ एन टी, ओके अप्लाई कर दो लॉग ऑफ एन टी, लिमिट क्या रहेंगे उसके एन नॉट टू एन टी इज इक्वल्स टू क्या बाहर निकलेगा यहां से लैम्डा बाहर निकलेगा हाँ तो क्या हो जाएगा बेटा टी जीरो टू टी क्या होता है यहाँ पे लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो लॉग ऑफ एन टी माइनस लॉग ऑफ एन नॉट इज इक्वल्स टू लैम्बडा टी, लैम्बडा टी मतलब अपर माइनस लोअर मतलब यहाँ पे टी माइनस जीरो क्या होगा लॉग ऑफ ए माइनस बी log of a by b करो अप्लाई log of nt minus n naught is equal to lambda t भी क्या कर सकते हैं बेटा अपन ये लॉग है ये लॉग को अपन इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या चेंज होगा e टू दी पावर इक्वल्स टू के उस साइड चेंज कर लेना याद रहेगा अपने पास एन टी अपॉन एन नॉट इज इक्वल्स टू e टू दी पावर लैम्बडा टी मतलब एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट e टू दी पावर लैम्बडा टी इज अ फाइनल लिक्विड बारे में दो लाइन लिखो
द टाइम टेकर फॉर द नंबर ऑफ द टाइम टेकन फॉर द नंबर ऑफ पैरेंट रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल पैरेंट रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज पर्टिकुलर स्पीसीज टू रिड्यूस द हाफ टू रिड्यूस द हाफ its value to reduce the half its value is called as half life is called as half life period of radioactive material That is P1/2 इस तरीके से उसको डिनोट करेंगे आप इसके नीचे ये वाला पॉइंट लिखो ये वाला इसको इक्वेशन नंबर 1 द एक्सप्रेशन फॉर रेडियोएक्टिव लॉ The expression for radioactive law is the expression for radioactive law is the expression for radioactive law is ENT is equals to N naught e to the power minus lambda t equation number 1 at time At time, small t is equals to eruptive karna, capital T 1/2, comma, TNT is equals to 1/2 N naught. ठीक है? ये तो दोनों वैल्यू बेटा, ये put in equation 1. इक्वेशन 1 में पुट अप कर दो एनटी के जगह क्या पुट करना है अपने को 1/2 टाइम्स ऑफ एन नॉट इक्वल्स टू एन नॉट ए टू द पावर माइनस लैम्डा टी के जगह क्या पुट अप करना है कैपिटल टी 1/2 सॉल्व करो इसको क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से इसी एन नॉट विल गेट कैंसल मतलब ये 1/2 इज इक्वल टू ये अपर में माइनस है तो लोअर में क्या होगा प्लस मतलब 1/T^2 कैपिटल टी 1/2 लिख सकते है ना इस तरीके से लिखेंगे ना पर माइनस 1 = 1/x ये वाला फिर क्या होगा कंपेयर करेंगे तो 2 = e^λ कैपिटल टी 1/2 राइट और जिस कैपिटल टी की वैल्यू अपने को फाइंड करना है दैट इज कॉल्ड एज अ हाफ लाइफ ठीक है कैपिटल टी 1/2 की वैल्यू फाइंड करना है ये ई है तो इधर आएगा तो क्या होगा लॉग करो मतलब ये हो जाएगा आपका लॉग 2 log 2 is equals to क्या मिलेगा अपने को lambda capital T 1/2 कौन बताएगा log 2 की वैल्यू क्या है 0.0693 ठीक है पुट अप करो 0.693 is equals to lambda into T 1/2 और टी 1/2 इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय लैम्बडा ठीक है इज द
हाफ लाइफ पीरियड। देखो दिस एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इन टर्म्स ऑफ टाउ बड़ी का टाउ बड़ी यहां पे उन्होंने टाउ इज इक्वल्स टू एवरेज हाफ लाइफ टाइम सेकंड में देखो टाउ इज इक्वल्स टू एवरेज हाफ लाइफ टाइम ऑफ न्यूक्लिया एवरेज हाफ लाइफ टाइम ऑफ न्यूक्लिया एवरेज हाफ लाइफ टाइम ऑफ न्यूक्लिया दैट इज वन अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू टाउ। क्या बोला बेटा उन्होंने मैं आपको एवरेज एवरेज ठीक है यहां पे क्या हो जाएगा टी वन बाय टू इज इक्वल्स टू 0.693 इस टाइप के रहेंगे कैसे रहेंगे कहां तक उसका आंसर लिखना है अब उसको अच्छे समझ के ये टॉपिक ये फिर फिनिश। अब मैं आपको थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए देता हूं नहीं समझ में आते तो मेरे को पूछना। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन ठीक है वो आप पढ़ो मतलब पढ़ के रखो कोई भी दो में से दो मार्क्स के लिए पूछेगा तो मुझे चार पॉइंट लिख के आना चाहिए पूछा तो हो न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन एफ आई डबल एस आई ओ एन एंड एफ यू एस आई ओ एन ठीक है उसको दोनों के कोई भी पॉइंट लिख के रखो पहला वाला 2018 में पूछे थे दो मार्क्स के लिए ये दोनों आप पढ़ के रखना इसका डिफरेंस देखना क्या होता है तो हिसाब से आप उसको स्टडी करना वो डिफरेंस भी पढ़े तो उसका अगर राइट टू नोट्स भी आता है कोई भी चार पॉइंट लिखे तो दो मार्क्स मिल जाएंगे आपको। और कोई टॉपिक है तो आपको मतलब मेरे हिसाब से तो हो गया चैप्टर ही हो गया आपको फिनिश आपके हिसाब से कुछ बचा है देख लो आप अपने नोट्स में बचाए क्या आपके हिसाब से जो पहला वाला है गिगर मार्सडर एक्सपेरिमेंट को रिड्यूस हुआ है पार्ट इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ा सबसे स्टार्टिंग वाला ये वाला ठीक है आपके हिसाब से कोई छूटा है क्या टॉपिक नहीं छूटा नहीं देख लो अभी है टाइम देख लो आपके हिसाब से कोई बच्चा है क्या फटाफट देखो आपके नोट्स में मेरे पास तो नोट्स है रिड्यूसिंग नोट्स एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आप करके लाकर बहुत इजी है टू मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस नोट करो उसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, मेरी समझ में आएगा तो मैं और एक क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, इसके डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के फॉर्मूले नोट कर लो, इसका न्यूमेरिकल आता है। लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, उसके नीचे लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 एम ई वी, अंडर रूट ऑफ 2 एम ई वी, उसके नीचे लैम्बडा इज इक्वल्स टू 12.27 अंडर रूट ऑफ वी, नीचे में रेशो अपॉन बोला ना, अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, ये एम्स्ट्रॉन्ग में आंसर मिलेगा। इसमें मिलेगा एम्स्ट्रॉन्ग, और एम्स्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू 10^-10 मीटर। ओके, अब ये लैम्डा निकालेंगे, इसको 2 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट करो, इसका न्यूमेरिकल। ये 3 फॉर्मूले से कोई भी एक न्यूमेरिकल पूछेगा आपको 100%। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना कितना है, तो बताएगी नहीं बताएगी, लिखोगे तो कितना है 1.9×10^-31 kg। और जो बच्चे इंजीनियरिंग करेंगे उनको ये क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए है। रामदेव बाबा, आईसीसी, आईसोनी, जो भी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, एनआईटी, आईआईटी, कहीं भी पढ़ने जाओ, ये टॉपिक के ऊपर उनको 7 मार्क का क्वेश्चन रहता है इन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। ये फॉर्मूले के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर आएगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक है, और फिर बचे हुए फॉर्मूले कौन से अपने पास, मॉडल, इन मॉडल। ओके, पहला, सेकंड और थर्ड नंबर का, और बाकी मैंने आपको ब्रैकेट में लिखते हुए दिया था, कौन सा वी का वैल्यू और एन का, एन का नहीं, आर का वैल्यू है, क्या वेलोसिटी, वी के वी की वैल्यू की वो फॉर्मूला रट्टा मार के रखना, और दूसरा फॉर्मूला आपको आर का रट्टा मार के रखना है, और ये ना मॉडल के फॉर्मूले, और जितने फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो आपको घर से निकाल के लाना है। और ये डी ब्रोगली के ऊपर तो 101% बोर्ड एग्जाम में रहेगा, 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल, ये चैप्टर में 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल आता है। अगर उन्होंने रेडी अप टू 2 मार्क्स के लिए पूछ दिया तो उसके साथ साथ 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल पूछेगा, एटम्स का या उधर का। ठीक है, कल से न्यूमेरिकल देते हैं। आप ये जितने मैंने टॉपिक बताया हो उसकी प्रक्रिया और फॉर्मूला अच्छे से ताकि फटाफट का फॉर्मूले बता सकूं। कुछ डाउट रहेगा तो कल बताना।